एल्विश यादव के इस बुरे वक्त के बीच उनके जिगरी यार कटारिया कहाँ हैं गायब। एल्विश यादव के जिगरी दोस्त बताए जाने वाले लवकेश कटारिया इस वक्त गायब दिखाई दे रहे हैं। भाई सभी को पता है कि एल्विश यादव 17 मार्च से नोएडा के एक जेल में कैद हैं, जिसके बाद उनकी बेल भी नहीं हो पा रही है। लॉयर्स की हड़ताल की वजह से उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया गया। जिस बीच उनके दोस्त विनय यादव का भी एक वीडियो सामने आया, जहां उन्होंने एल्विश यादव से जुड़ी काफ़ी सारी बातें खुलकर कहीं। लेकिन इसी बीच लवकेश कटारिया गायब दिखाई दे रहे हैं। लवकेश कटारिया से जुड़ी ये अपडेट्स सामने आ रही हैं और लोगों का कहना है कि भाई खुलकर सामने आप क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव के दोस्त लवकेश कटारिया का एक ट्विटर हैंडल बताया जा रहा है, लेकिन उस ट्विटर हैंडल पर अगर आप ध्यान दें तो भाई उसके बायो में लिखा है पारोडी, जिस वजह से ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या करप्ट ट्यूबर के नाम से ये पेज रियल में लवकेश कटारिया का ही है। वेल, आपको बता दें कि जब से एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है, इस पेज पर काफी सारे ट्वीट्स सामने आए हैं, लेकिन अगर ये उनके दोस्त का पेज होता तो क्या एल्विश यादव इस पेज को फॉलो नहीं कर रहे होते? यहाँ पर फॉलोइंग लिस्ट में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई लवकेश कटारिया आखिर क्यों चुप है। वेल, आपको बता दें कि एल्विश यादव की मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। जब विनय यादव का वीडियो सामने आया, जहां पर उन्होंने एल्विश के जेल में होने की पूरी खबर और कंडीशन बताई, उसके अगले दिन ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी स्नेक वेनम केस में ही हुई, जिसमें पुलिस का कहना है कि एल्विश के साथ वो भी इस केस में मौजूद थे। फिलहाल लवकेश कटारिया का कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है, ना ही उनका कोई व्लॉग और ना ही उनका कोई वीडियो इस वक्त सामने आया है। इसके अलावा बात करें एल्विश यादव के पेरेंट्स की, तो भाई उनके इंटरव्यूज काफी वायरल हो रहे हैं। उनके इंटरव्यूज में कही गई वो बातें फैंस के दिलों में काफी ज्यादा बैठ गई हैं। वहीं इस बीच कई सारे ये बड़े मामले भी सामने आए कि वीडियोज में दिखाई जाने वाली कार और बड़े बड़े घर रेंट पर थे, लोन पर थे, जिस वजह से लोग एल्विश यादव के लेविश लाइफस्टाइल पर सवाल उठा रहे हैं। एल्विश यादव चारों ओर से मुसीबतों में घिरे हैं। इसी बीच एल्विश यादव के फैंस उनको काफी भारी भरकम अमाउंट में सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव के केस में एक बड़ी राहत भी उनको मिली है। एनडीपीएस की वो धारा जिसकी वजह से उन्हें बेल मिलना थोड़ा मुश्किल बताया जा रहा था, वो धारा अब हटा दी गई है। पुलिस का कहना है कि वो एक क्लरिकल मिस्टेक थी। फिलहाल एल्विश यादव के केस पर काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। बेल से जुड़ी कोई अपडेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में एल्विश यादव इस वक्त ग्रेटर नोएडा के जेल में बंद हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कुछ है कहना कॉमेंट सेक्शन में बताइए।